बोलिए श्री राम चरितमानस भगवान की। इस पावन ग्रंथ की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अब देखिए इनका आविर्भाव कब हुआ? 1554 में। कब हुआ? 1554 में इनका आविर्भाव हुआ। और गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना कब की? 1631 में। अब जोड़िए कितना हुआ, 1554 से 1631, कितने वर्ष बीते? कहिए कहिए, कितना बीता? 77 वर्ष। 1554 में इनका आविर्भाव हुआ और 1631 वर्ष में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और जब इस ग्रंथ की रचना की गोस्वामी जी ने, तब गोस्वामी जी की आयु 77 वर्ष की थी। अर्थात अपने जीवन की सारी शक्तियां, अपने जीवन सतहत्तर वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और उससे पहले, इस ग्रंथ की रचना करने से पहले, संपूर्ण भारत की गोस्वामी जी ने 3 बार पैदल परिक्रमा की है। कितनी बार? 3 बार पैदल परिक्रमा की है। उत्तराखंड में आए, भगवान नर नारायण के दर्शन किए गोस्वामी जी ने, उनसे वार्ता की, वेद व्यास जी के दर्शन पाए, भगवान श्री राम माँ जानकी के दर्शन पाए, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन पाए। इन सबके दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लिखा। और जब इस ग्रंथ को लिखा तो उस समय विद्वानों में बड़ा भेदभाव था। और आपको बताऊं, अगर गोस्वामी जी ने अयोध्या में वो रहे होते तो अयोध्या में इस ग्रंथ का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ होता। लेकिन गोस्वामी जी का पूरा जीवन श्री काशी जी में व्यतीत हुआ। और जब इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लोग पढ़ने लगे, क्योंकि बड़े सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की, सबके समझ में आती, तो काशी के जितने विद्वान थे बड़े बड़े, सब विद्वानों ने इनका बड़ा विरोध किया। कोई मानने को तैयार नहीं था इस ग्रंथ को। तो काशी जी में एक बड़े अद्भुत संत हुए, बड़े विद्वान संत हुए, मधुसूदन पाद सरस्वती जी। उनके पास सभी विद्वान पहुंचे और कहा कि अगर ये मुहर लगा दें तो हम सभी मान जाएंगे। तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा, भाई देखो, बिना ग्रंथ को पढ़े समझे मैं मुहर नहीं लगा सकता, पहले लाओ देखें क्या है। और जब उस ग्रंथ को लेकर के आए सभी विद्वान, स्वामी जी ने जब देखा, उस ग्रंथ को पढ़ा, देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सभी विद्वानों से कहा कि इस काशी जी में एक तुलसी का पौधा है, जो चलता हुआ पौधा है। तुलसी का चलता हुआ पौधा, उस पौधे ने एक ग्रंथ की रचना की, एक काव्य की रचना की, और जिस पर मेरे राम जी भौरे की तरह मंडराते चलते फिर रहे हैं। जैसे ही इन विद्वानों ने सुना कि ये तो उन्हीं की साइड में आ गए, विद्वानों ने कहा कि दोनों विरक्त संत, ये भी विरक्त वो भी विरक्त, दोनों बाबा मिल गए, हम लोग नहीं मानेंगे इसे। फिर विद्वानों ने कहा, अगर भगवान भोलेनाथ इस पर आकर के मुहर लगा दें तो हम सब मान जाएंगे। विद्वानों ने सोचा, कहाँ भगवान भोलेनाथ मुहर लगाने आएंगे। तो विद्वानों ने ये चाल चली, एक दिन रात्रि में सारे ग्रंथ सभी लेकर के आए, और श्री रामचरित मानस जी का ग्रंथ लेकर के आया गया। काशी जी में भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में सारे ग्रंथ रख दिए गए, सभी ग्रंथ, और सबसे नीचे श्री रामचरित मानस रखा गया और उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे गए। गर्भगृह के बाहर जितने विद्वान थे सभी वेद का पाठ करने लगे पूरी रात्रि। क्यों? पहरा दे रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सारे विद्वान वेद का पाठ करने लगे, उनके गले सूखने लगे,
भाई वेद का पाठ करना इतना आसान तो है नहीं, शक्ति लगती है, पूरी एनर्जी लगती है। पूरी रात सबने पहरा दिया, लेकिन आपको बताऊं महाराज, स्वयं भगवान विश्वनाथ आशीर्वाद ही नहीं दिए इस ग्रंथ को। भगवान विश्वनाथ ने हस्ताक्षर करके ये प्रमाणित कर दिया कि ये प्रमाणित ग्रंथ है। भगवान शंकर आए और उस ग्रंथ को सबसे ऊपर रख दिया और रख करके उस पर क्या लिख दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही विद्वानों ने देखा, कहा ये क्या हो गया, सबसे ऊपर ग्रंथ आ गया रामचरितमानस, और इतना ही नहीं बाबा शंकर के स्वयं के हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम, और तब से ग्रंथ प्रमाणित कर दिया। तो लोग क्या प्रमाणित करेंगे इसे, तो साक्षात भगवान भोलेनाथ ने प्रमाणित किया है। गोस्वामी जी अद्भुत इस ग्रंथ को हम सभी को दे करके गए, जिसके कारण आज हम बैठ करके कथा गा रहे हैं, आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं।